रहे हैं, है ना। हम बाबा साहब का नारा है, शिक्षित करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। शिक्षित सब हो रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? स्वयं के हित के लिए, है ना। हमको सबसे पहले संगठित होना है। बहुत दुख हुआ यहाँ की तादाद देखकर, क्योंकि तो युवा टीम ने संचालित की थी, लेकिन यहाँ युवा की संख्या बहुत कम है। तो अब हम कैसे बदलाव लाएंगे, कैसे बदलाव लाए? हमारा ये था कि ये अगर आज इस आयोजन के माध्यम से जितने भी प्रदेश भर के युवा हैं, जो भी शिक्षित हैं, ये अगर यहाँ पे सब इकट्ठे हो जाते तो ये हमारा टर्निंग पॉइंट होता। सबकी नज़र में आने का ये पहला मौका था जो सभी ने गंवा दिया। बहुत दुख हुआ है। हम सभी संघर्ष करते हैं अपने अपने क्षेत्र में। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ और मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फर्क मुझ में सोच का। पैसा सभी कमाते हैं, कलेक्टर कमाते हैं, पॉलिटिशियन कमाते हैं, लेकिन उस पैसे का क्या? आप जात छुपा कर अगर रह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको यही कहा जाएगा कि यार वो कलेक्टर भंगी है, मुँह पे नहीं कहेगा। और आप जहाँ आपकी पोस्टिंग हुई है, आप आपके बंगले में ऐशो आराम से बैठे हो, लेकिन आप आपकी बस्ती में जाने से कतराते हो कि आपको सरकार रोकती है, कि आपका आपका पैसा नहीं मिलेगा। बड़े दुख की बात होती है। मैं गर्व से कहती हूँ मैं वाल्मीकि हूँ, कोई वाल्मीकि से नहीं कहता, ठीक है, मैं तू नहीं समझ रहा, मैं भंगी हूँ। मेरे को आज, मेरा बहुत छोटा सा गांव है, मैं तहसील से बिलोंग करती हूँ, लेकिन आज वहाँ हमने, बहुत गर्व होता है कि मेरे परिवार ने, अंजलि झांझोर नाम है मेरा, मेरे पापा भी बहुत बड़े समाजसेवी थे जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। वहाँ पे जब हमारे घर के सामने से ठाकुर निकलते थे या हमारे कम्युनिटी के उनके एरिया से निकलते थे, चप्पलें सर पर रख के जाते थे, ये प्रथा मेरे पापा ने बंद करवाई। मुझे बहुत गर्व है। आज वो नहीं है, और अगर होते तो शायद बात कुछ और होती, मैं आपके सामने कोई मिसाल पेश करके बताती। अभी कमज़ोर इसलिए हूँ क्योंकि युवा लोग साथ नहीं है, है ना। यहाँ आके मुझे लगा कि चलो दिल्ली है, टर्निंग पॉइंट है, अगर आज हम सभी युवा यहाँ पे इकट्ठे हो जाते तो शायद मैं समाज के लिए कुछ और भी अच्छा बोल देती, लेकिन अभी तो कमियाँ ही दिख रही है। और सब सम्मानित, परम सम्मानित इसलिए कहा क्योंकि इन लोगों ने नींव रखी है। इन लोगों की सोच अच्छी थी, लेकिन इन लोगों को भी कहीं ना कहीं साथ अच्छा नहीं मिल रहा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, सोच सिर्फ शिक्षा ही बदल सकती है, तो शिक्षा को सर्वप्रथम रखें। और मैं शिक्षा को मोटिवेट करती हूँ, और मैं एक प्रेरक हूँ। प्रेरक मीन्स मैं अपने समाज की और कुछ दलित लड़कियों को फ्री में शिक्षा देती हूँ। शिक्षा में मैं 40 बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देती हूँ, साथ साथ मैं खुद भी स्टडी कर रही हूँ और एक NGO से भी बिलोंग करती हूँ। मैं MA 3rd सेम में हूँ। बच्चियों को ये देखने में मिला कि बच्चियाँ 10वीं में थी, ठीक है, लेकिन उनको अपना नाम लिखते नहीं आता था। तो यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा शिक्षित होने का क्या मतलब कि लड़की स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, 10वीं में आ गई है, उसको नाम लिखते नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है, जो हम सुनते आए थे, लेकिन मैंने देख लिया। तब से मैंने वहाँ शुरू करा। थोड़ी प्रॉब्लम हुई घर में, हुई कि फ्री में पढ़ा रही है, ट्यूशन के 200 रुपये महीना लेगी तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो मैंने एक साइड रखा, ठीक है। धीरे धीरे बातें फैलती गई कि ये ऐसे करती है समझ, तो धीरे धीरे मैं ऐसे नज़र में आने लगी, वरना मैं कुछ नहीं थी और मैं आज भी कुछ नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपनी बात दबंगियाई से रखती हूँ क्योंकि मैं वाल्मीकि की बेटी हूँ और किसी से डरना तो सीखा नहीं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जो मुझे खिलाता है मेरा सर उसी के आगे झुकता है। बस मैं इतना ही कहूँगी आप लोगों से, आदरणीय रोहित छात्र जी, कटारे जी, मेरा आपको नमन कि आपने समाज के लिए सोचा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो समाज के लिए सोचते, वरना कई नेता आए चले गए, पता भी नहीं चला, अपनी अपनी कोठियाँ बना ली। बस मैं इतना ही चाहूँगी सभी, अगर युवाएं मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि प्लीज़ संगठित होए और संघर्ष करें और शिक्षा को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच।